खुशामदीद, सत श्री अकाल, वनकम, बट वेयर यू आस्क मी एंड विल टेक यू ऑन एन एग्जॉटिक ट्रिप विद सफोला मसाला ओट्स, माय स्पेशल रेसिपी। अक्सर ऐसे होता है कि लोग काम से, ऑफिस से बहुत थककर घर पे आते हैं और घर पे आते वक्त या घर पे आने के बाद तुरंत कुछ खाने का मन करता है और तभी कुछ पकोड़े खाएंगे या कुछ ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं क्योंकि यू हैव दोज हंगर पैंग्स। लेकिन अगर उसी स्नैक को किसी तरह से अगर हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनाया जाए तो क्या कहने, है ना? तो चलिए आज ऐसी एक सिंपल रेसिपी देख लेते हैं जो है क्लासिक मसाला ओट्स एंड पोटैटो टिक्की। इट साउंड्स वेरी सिंपल बट इट इज इवन सिंपलर टू मेक। इसके लिए हमें गर्म करना है एक पैन और हम एक टेम्परिंग बनाएंगे इन मैश्ड पोटैटोज के लिए। टेम्परिंग बनाने के लिए हम यूज करते हैं थोड़ा सा सफोला ऑयल क्योंकि ये दिल का मामला है। तेल गर्म होने पर हम उसमें रेगुलर हमारे जो घर पर मसाले यूज किए जाते हैं वो डाल देंगे। इस मैश्ड पोटैटोज को हम एक बड़े बोल में निकाल लेते हैं और ये तेल टेम्परिंग होने पर हम डाल देते हैं उसमें थोड़ी सी राई, थोड़े करी लीव्स, थोड़ा चॉप्ड गार्लिक, एक छोटी क्वांटिटी चॉप्ड जिंजर, और इसमें डाल देते हैं एक छोटी सी चिमटी हल्दी की। अब गैस को बंद करके ये जो टेम्परिंग तैयार हो चुका है वो टेम्परिंग डाल देते हैं हम इस पैन में। अब इसमें डालेंगे क्लासिक मसाला ओट्स। इसे डालकर हमने इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। इट इज एक्सट्रीमली क्लोज टू अ बटाटा वड़ा बट द डिफरेंस हियर इज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी फ्राइड एंड इट्स गोइंग टू हैव दैट हेल्दी टच ऑफ ओट्स। मैश पोटैटोज बनाने के समय मैंने ऑलरेडी उसमें सॉल्ट डाल दिया था तो इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है अभी। तो अब हम बनाएंगे इसकी टिक्कियां। टिक्कियां बनाने के लिए इसे पोर्शन आउट कर देते हैं। और इन टिक्कियों को डाल देते हैं एक कुकी कटर में शेप देने के लिए। हल्के से प्रेस कर लेना है हमने और एक बढ़िया शेप की टिक्की बनानी है ऐसे। अब हम वही पैन को गरम कर देते हैं और ये टिक्कियाँ ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के लिए हमें पैन में तेल डालने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैन में थोड़ा बहुत तो ऑयल है। अक्सर लोगों का ये मानना है कि पोटैटोज आर नॉट वेरी हेल्दी एंड ऑल बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। पोटैटोज गिव यू अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ऑलमोस्ट 35% ऑफ वॉट इज रिक्वायर्ड बाय अ नॉर्मल पर्सन। और कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी होते हैं। इसे एकदम हाई फ्लेम पर फटाक से उसको कलर लाना है, मस्त गोल्डन ब्राउन वाला कलर, और निकाल के सर्व कर देना है। एक अच्छी सी प्लेट लेकर हम डाल देते हैं उसमें हमारी रेगुलर धनिया मिंट की चटनी, इन पैटीज को अब हम टर्न कर देते हैं। ऐसा बढ़िया सा कलर आना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए और ओट्स जो हमने डाले हुए हैं उससे वो क्रिस्पनेस इसको आ जाएगा। इतनी बढ़िया खुशबू इस पैन से आ रही है अभी, मसाले की खुशबू, करी पत्ते की खुशबू, मस्टर्ड सीड्स की खुशबू,
चलिए ये अब रेडी हो चुका है, इसको हम डाल देते हैं प्लेट के ऊपर। अब इसे फाइनली गार्निश कर देंगे एक अच्छे मिंट के स्प्रिग के साथ, क्योंकि हमने इसमें यूज कर ली है मिंट की चटनी। सो हियर वी हैव रेडी अ फैबुलस फैंटास्टिक इवनिंग स्नैक ऑप्शन व्हिच इज अ क्लासिक मसाला ओट्स एंड पोटैटो टिक्की। टेक अ वेरी क्विक लुक एट द रीकैप। क्लासिक मसाला ओट्स एंड पोटैटो टिक्की बनाने के लिए आपको चाहिए 80 ग्राम क्लासिक मसाला ओट्स, 200 ग्राम आलू, 20 ग्राम लहसुन, 20 ग्राम अदरक, 5 ग्राम कड़ी पत्ते, 5 ग्राम राई के दाने, 2 ग्राम हल्दी पाउडर, परोसने के लिए हरी चटनी। If you have made any interesting recipes using different flavors of Saffola Masala Oats, please share it with us at teamsaffola@maricoindia.net. If selected, you can appear with us on our show and win exciting prizes. अब वक्त हो चला है माँ सलामा बोलने का, और मैं आपके लिए और भी बढ़िया रेसिपीज लेके आते रहूंगा ओनली ऑन सफोला मसाला ओट्स, माय स्पेशल रेसिपी में। अंटिल आई सी यू अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ईट हेल्दी।